हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट, ग्रेड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट 29। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पॉजिटिव में यानी यस करना है और एज वेल एज इसके साथ ही साथ नेगेटिव में भी देना है, नेगेटिव जिसमें नो करना है। फॉलो द एग्जाम्पल्स और इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए आपको ये एग्जाम्पल्स, ये सेंटेंसेस को फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं इन सेंटेंसेस के। एग्जाम्पल वन, इज ही कमिंग हियर टुडे, क्या वह यहाँ आज आ रहा है। येस ही इज, हाँ आ रहा है। और नो ही इजेंट यानी नहीं आ रहा है, यानी कि मैं कहूँ कि मैंने पॉजिटिव में भी दे दिया येस कर दिया और नेगेटिव में भी दे दिया नो कर दिया। एग्जाम्पल टू, विल दे हेल्प अस इन नीड, क्या वे हमारी हेल्प करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। येस दे विल, हाँ वे हेल्प करेंगे। और नो दे वॉन्ट, नहीं वो हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, Won't is the short form of will not. Won't is सब short form है बेटा will not का, कि वो नहीं करेंगे। ठीक है, let's start first. Is Ramanujan good at mathematics? क्या रामानुजन जो है वो mathematics यानी गणित में खुश, good है, अच्छा है। Yes he is, हाँ वह है, अच्छा है। और no he isn't, नहीं वह अच्छा नहीं है। Two, Is she singing a song? क्या वह उसने गाना गाया। Yes, she sing, हाँ उसने गाना गाया। और no, she isn't, नहीं उसने गाना नहीं गाया। Third, are they participating in the race contest? क्या वे रेस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Then answer, yes, they are, हाँ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नो दे आरेंट, नहीं वे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आरेंट क्या होता है बेटा, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना। फोर्थ, आर यू एग्री विथ योर प्रपोजल, क्या आर यू एग्री विथ अवर प्रपोजल, क्या आप हमारे प्रपोजल से एग्री हैं। प्रपोजल मीन जैसे कुछ भी ऑफर करा जाता है ना, तो आप उससे एग्री हैं। तो यस आई एम, हाँ मैं एग्री हूँ, मैं तैयार हूँ। और नो आई डिडेंट, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, मैं आपके प्रपोजल से एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। फिफ्थ, वॉज ही प्रेजेंट इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में प्रेजेंट था। यस ही वॉज, हाँ वह था। और नो ही वॉजेंट, नहीं वह प्रेजेंट नहीं था। सिक्स्थ, वर दे बिजी इन देयर ड्यूटी, क्या वे अपनी ड्यूटी में बिजी थे। यस दे वर, हाँ वे बिजी थे। और नो दे वरंट, दे वरंट, नहीं वे बिजी नहीं थे। सेवेंथ, विल यू अटेंड द समर कैंप, क्या आपने समर कैंप को अटेंड किया। समर कैंप क्या होता है बेटा, स्कूल की तरफ से लगाया जाता है ना गर्मियों की छुट्टी में, जिसमें आपको कहीं घूमने का मौका मिलता है, कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड अ समर कैंप। तो क्या आपने उसको अटेंड किया था। यस आई विल, हाँ मैंने उसको अटेंड। विल यू अटेंड समर कैंप, क्या आप समर कैंप को अटेंड करोगे। यस आई विल, हाँ मैं अटेंड करूँगा। और नो आई वॉन्ट, नहीं मैं अटेंड नहीं करूँगा। एट्थ, विल शी बी हैप्पी टू सी अस हियर, क्या वे हमें देख करके, यहाँ पे देख करके खुश होंगे। यस शी विल, हाँ वह खुश होगी। और नो शी वॉन्ट, नहीं वे खुश नहीं होगी। तो क्या पूछ रहा है, विल शी बी हैप्पी, क्या वे हमें देख करके, क्या वह खुश होएगी। टू सी अस, हमें देख करके वह खुश होएगी। तो बोल रहे हैं हाँ होएगी भी और नहीं भी होगी। ठीक है बेटा, सो आई होप 29 वर्कशीट 29 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ चेयरफुल डे।